इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन मैकेनिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम न्यूटन सेकेंड लॉ से डिराइव कर सकते हैं। यहाँ पर हम पार्टिकल के लिए पहले डिराइव करेंगे, उसके बाद उसको जनरलाइज कर देंगे थोड़ा सा हिंट देते हुए सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए। दोनों ही केस में इक्वेशंस पे ध्यान दीजिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आईआईटी जेई में इसका एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है। न्यूटन सेकेंड लॉ हम जानते हैं, नेट फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है मास इनटू वेलोसिटी। अब दोनों साइड में हम डी टी से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वेशन हो जाएगी एफ डी टी इक्वल्स डी पी। फर्दर इसको इंटीग्रेट कर दें, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल टाइम है तो टाइम T1 से T2, और राइट हैंड साइड में वेरिएबल मोमेंटम है तो मोमेंटम P1 से P2। इंटीग्रेट करने के बाद जो इक्वेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन T1 टू T2 एफ डी टी इक्वल्स P2 माइनस P1। तो इंटीग्रेशन एफ डी टी, इसको हम कहते हैं लीनियर इम्पल्स। चेंज इन मोमेंटम को हम लिख सकते हैं मास इंटू V2 माइनस V1। V2 वेलोसिटी है टाइम T2 पे, V1 वेलोसिटी है टाइम T1 पर पार्टिकल के लिए। लीनियर इम्पल्स हो गया बेसिकली, जे से कैपिटल जे से डिनोट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन एफ डी टी, जहाँ पर एफ नेट फोर्स है, इक्वल्स एम इंटू V2 माइनस V1। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए हम इसको अगर जनरलाइज करें तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा एफ की जगह पे एफ एक्सटर्नल, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। इंटरनल फोर्सेस इक्वल और अपोजिट होते हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे। राइट हैंड साइड में जो पार्टिकल की वेलोसिटी थी, वहाँ पर सिस्टम की वेलोसिटी, तो सिस्टम की वेलोसिटी क्या होती है, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी। तो राइट हैंड साइड में होगा एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट टाइम T2 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एट टाइम T1।